अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो हानी और मैं जा रहे हैं फातिमा ज़ाहरा के लिए कपड़े ख़रीदने। तो रात में लोकल मार्केट में गई थी, मुझे कपड़े पसंद नहीं हैं, तो अभी मैंने कहा मैं ज़रा लंडे का चक्कर लगाती हूँ, वहाँ देखती हूँ कोई टैग्ड पीस जो है वो मिल जाते हैं और वो बड़े अच्छे रहते हैं। तो आमिर घर आए हुए थे, मैंने उनको कहा मुझे छोड़ दे लंडे पे, उन्होंने कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो मुझे लेके जा रहे हैं, मेट्रो बस पे बिठाएंगे आगे जो करीबी लंडे के साथ स्टेशन होगा, मैं वहाँ उतर जाऊँगी फिर आगे आगे आपको दिखाती हूँ। बड़ी रौनक सी शाम है, तरह की शाम में मुझे बड़ी पसंद है। तो आ गए हम मेट्रो स्टेशन पे। मेट्रो वालों की धोखेबाजियां, जाते हुए एक्सीलेटर आते हुए सीढ़ियां। तो टिकट मैंने ले ली, हानिया अपनी दिखाओ टिकट, हानिया ने भी ले ली। शदीद रश है ना हानिया, बस में बहुत ज्यादा रश है, पकड़। स्टेशन चुंगी ने बंदो चिड़िया वो फल्ला, इतनी सारी सीढ़िया। हाँ सही स्टेशन पे उतरे हैं, पहले मुझे लगा हम गलत स्टेशन पे उतर गए हैं, हम सही स्टेशन पे उतरे हैं दौलत गेट वाले को। तो हम दौलत गेट स्टेशन पर उतरे हैं, मगरब की अजानें होने वाली हैं, और यहाँ से अगर मैं रिक्शा लूँ तो रिक्शे वाला मुझसे 60-70 रुपये ले लेगा। तो मैंने सोचा 60-70 रुपये बचाते हैं और पैदल जाते हैं, तो पैदल थोड़ा टाइम लगेगा, मेरा सांस फूलना शुरू हो गया है, आज देखती हूँ 60-70 रुपये बचा पाती हूँ या नहीं। यहाँ पर पहले तो ये मॉडल नहीं बना हुआ था जो बना हुआ है दौलत गेट का। मैं उस तरफ से चल के आई हूँ, इस तरह पूरा चलता और आगे जाना, और अभी भी बहुत आगे जाना है। आमिर की बड़ी याद आ रही है क्योंकि इन रास्तों पर मैं कभी भी पैदल नहीं चली, आज पहली दफ़ा पैदल चलना पड़ रहा है रिक्शे के पैसे बचाने के लिए। अभी वहाँ से सारा चल के आई हूँ, अब इस तरफ जा रही हूँ, आगे जाऊँगी, मेरी मंजिल नज़दीक है। मैंने इस बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग जो नज़र आ रही है, यहाँ तक जाना है। ये बचपन में कभी खाई थी। तो फाइनली मैंने 200 वाला सफ़र 20 रुपये में किया है, लेकिन मेरे पाँव टूट चुके हैं और मैं अभी से थक गई हूँ, अभी तो मैंने मार्केट में भी घूमना है। तो मैं लंडा मार्केट पहुँच चुकी हूँ, अभी थोड़ा सा एक दो शॉप्स घूमती हूँ, देखती हूँ फातिमा ज़ारा के लिए मुझे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। तो वहाँ सामने प्यारे प्यारे पर्दे मिल रहे हैं, और ये एक जूते की शॉप है, मैंने कहा आपको दिखा दूँ, मैंने जूता तो नहीं लेना, कोई अच्छा सा प्यारा सा जूता मिल भी जाता है यहाँ पर। ये सारे यहाँ पर कंफर्टर पड़े हुए हैं, और ये हानिया मैडम यहीं बैठी हुई है। ये छोटी सी फ्रॉक है एक डॉल की। यहाँ ढेर है कपड़ों का, लेकिन फातिमा ज़ाहरा के साइज़ का मुझे कोई अच्छा नज़र नहीं आया। प्यारे प्यारे कपड़े हैं, स्कर्ट है, ये कोई फ्रॉक है, और इस तरह हानिया को चमचम वाली चीज़ें पसंद आ रही हैं। ये प्यारी सी कोई स्कर्ट है, पता नहीं क्या चीज़ है। ये एक वाइट फ्रॉक है, शायद किसी ब्राइडल की। ये एक प्यारी सी फ्रॉक के हैं, लंबी लंबी जगह तंग है और दिखाने में मुश्किल हो रही है मुझे। ये एक प्यारी सी फ्रॉक है टैग्ड, लेकिन ये है ज़ीरो टू थ्री मंथ्स। इतनी प्यारी फ्रॉक है, न्यू टैग्ड। अब हम वापस घर जा रहे हैं थक थका के, और दोबारा हम मेट्रो से जा रहे हैं। हमने सोचा आते हुए भी हमने 180 रुपये बचाए हैं, तो जाते हुए भी 180 रुपये बचाए, और जैसे आमिर हमें छोड़ गए थे मेट्रो पे, अब भी हमें आमिर ले जाएंगे मेट्रो से। यहाँ पर फिर वही धोखा, जो आते हुए धोखा था वही वाला धोखा। आ गई हमारी बस, वापसी के सीट मिली है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। उतर गए जी हम मेट्रो से, और ओ आमिर नीचे खड़े हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ओ खड़े हैं आमिर बाइक पे। हानिया पहुंच गई अपने पापा के पास। तो हम थक थका के आखिरकार घर वापस आ गए हैं। कुछ ख़ास मेला ही नहीं, फजूल सी चीज़ें थी या साइज़ नहीं थे फातिमा ज़ाहरा के। तो वो कह रहे हैं जी के हफ्ता और इतवार को नया माल खुलता है, उसमें इस साइज़ के जो कपड़े वगैरह होते हैं वो होते हैं, अभी नहीं हैं। तो इसीलिए मैंने कुछ ख़ास लिया नहीं, को एक दो शर्ट्स ली हैं जो मुझे अच्छी लगी और साइज़ था। तो आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।